हेलो दोस्तों, मैं सतीश और आप देख रहे हो एवरीथिंग बेस्ट की यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 महीने का बैलेंस जो है पीएफ कोविड 19 का, आप वो पैसे कैसे निकाल सकते हो, यानी लॉकडाउन का जो 75% आपको कह रहा है निकालने के लिए एडवांस में, वो आप कैसे निकाल सकते हो। क्या 75% में आपको डबल मिलेगा या फिर सिंगल मिलेगा? क्या आप 3 महीने की सैलरी यानी पीएफ फंड से निकाल सकते हो या फिर नहीं निकाल सकते हो? किस किस चीज़ का क्राइटेरिया है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनको भी फायदा मिल सके, ठीक है? तो चलिए मैं वीडियो में आपको बताता हूँ बारीकी बारीकी से क्या क्या चीज़ है, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूँ आपको, पीएफ निकालने के लिए दो ऑप्शन दिया गया है। या तो आप 75% निकाल लो अपने पीएफ का जितने भी कटा है, या जितने भी आपका जो बैलेंस कटा है वो आप 75% निकाल लो, या फिर आप 3 महीने का एडवांस निकाल लो। ये दोनों के लिए, मतलब दोनों केस में आपको एडवांस में ही निकालना होगा, फॉर्म 31 ही अप्लाई करना होगा। लेकिन मैं एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे कि लोग कहते हैं कि मतलब 3 महीने की सैलरी भी आने वाली है, तो ये ऐसा नहीं है। 3 महीने में जो सैलरी है उसका जो पीएफ पैसे कट रहा है, लाइक आप 10,000 रुपये अगर आप सैलरी है आपकी, बेसिक सैलरी है और सब चीज़ मिला के आपका यानी 10,000 रुपये सैलरी है, ठीक है? तो आपका जो वहाँ पे बैलेंस कट रहा है पीएफ का, वो 12% कट रहा है। तो 12% कितना होगा 10,000 का? 1200 रुपये होगा। तो इस तरीके से आप 3 महीने के 12 3600 रुपये हो गया, तो 3600 रुपये ही तो निकाल सकते हो। बहुत सारे लोग क्या पता आपको क्या कहता है कि 10,000 रुपये सैलरी है तो 3 महीने के 3,000 यानी 30,000 रुपये आप निकाल सकते हो। तो 30,000 मत निकालो, 28,000 निकालो, ऐसे करके वीडियो में बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप 1 महीने में जितना आपका पीएफ बैलेंस कट रहा है उसी अकॉर्डिंग आप 3 महीने का कैलकुलेट करोगे, उसी हिसाब से आपको बैलेंस मिलेगा। अब दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 75% जो हम अब पीएफ निकालेंगे क्या 3 महीने फिर से अप्लाई करेंगे? तो भाई मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 75% ये जो दे रहा है वो आपको एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है, आपका जो बैलेंस है ना पीएफ अकाउंट में उसी बैलेंस को दे रहा है। 75% कहने का मतलब 31 से अप्लाई करते हो आप, तो आपका जो 75% है, तो आपका जो 75% है वो, और 75% कंपनी यानी पीएफ फंड की तरफ से है वो, तो यानी 75 75%। तो आप कहने का मतलब नहीं समझे तो मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपकी यानी पीएफ का अमाउंट है आपके अकाउंट में 10,000 रुपया, ओके? तो आप इसका जो 75% कैलकुलेट करोगे तो 7,500 रुपया हो रहा है। तो 7,500 रुपया आपको पीएफ की फंड की तरफ से मिलेगा, तो कितना हो गया 15,000 रुपया। तो आप 15,000 रुपये के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी दोनों पैसे आपको मिलेगा, समझ रहे हो ना आप? यानी आपका जो बैलेंस कटा 75% वो, और 75% उधर से, तो यानी आपको ये मिलेगा। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज है कि अगर मैं 75% निकालूंगा तो ये सिर्फ मेरा कटा है वो आएगा या फिर उधर से भी आएगा, डबल होके आएगा? तो मैं आपको बता दूं, डबल होके आएगा। और सैलरी की बात रही तो सैलरी आपका नहीं आने वाला, सैलरी आपकी कंपनी वाले देंगे। पीएफ का बैलेंस जो है वो आप यहां से अप्लाई कर सकते हो, पीएफ फंड में सिर्फ आपका पीएफ का बैलेंस निकाल सकते हो, सैलरी नहीं। तो इस पैसे को निकालने के लिए या 75% हो या फिर 3 महीने का एडवांस हो, इसको निकालने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहली बात, आपका जो यूएन नंबर है वो एक्टिवेट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड उससे लिंकेड होना चाहिए, बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड उसमें डाला होना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ अगर एक्टिवेटेड है, यानी केवाईसी आपका कंप्लीट है, यूएन नंबर एक्टिवेट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन उसमें भी कुछ ज़रूरत है। सबसे पहली बात, अगर आप पीएफ का पैसे निकालना चाहते हो अभी खुद से अपने फ़ोन से, तो उसके लिए आपका एक होना चाहिए आधार कार्ड से रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर। अगर वो भी है तो आप इजीली निकाल सकते हो, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आपका जो बैंक अकाउंट का जो पासबुक है या फिर चेकबुक है उसको स्कैनिंग करना पड़ेगा। स्कैनिंग का मतलब है कि आपको प्रिंटर मशीन में डाल के स्कैनिंग करना होगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप अपना फ़ोन से अगर करना चाहो तो फ़ोन से भी कर सकते हो। लेकिन फ़ोन से आप कैसे उस फाइल को उतने KB में बनाओगे, 500 KB के अंदर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो के साथ आप बने रहो, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है? तो चलो मैं वैसे आपको बता दे रहा हूँ कि इसको निकालना कैसे है, फॉर्म 31 अप्लाई कैसे करना है। वैसे जैसे पहले जो पीएफ का बैलेंस था वो निकालते थे हम लोग, तो उसमें एडवांस 31 ही अप्लाई करते थे, लेकिन उसका जो रीज़न था वो कुछ और सेलेक्ट करते थे। लेकिन इसमें यानी एक अप्रैल से कुछ अलग ऐड कर दिया गया। वैसे तो 28 मार्च से ही ऐड कर दिया गया है, लेकिन 1 अप्रैल से मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे इसमें एक कोविड 19 का जो ऑप्शन है वो अलग ऐड कर दिया है, जो आपका 3 महीने का जो बैलेंस मिल रहा है वो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फ़ोन के डिस्प्ले पे, और कैसे अप्लाई करना है, कैसे कौन सा फाइल बनाना है, यानी आपका जो पीएफ का पासबुक को स्कैनिंग करना है वो कैसे करना है अपने फ़ोन से, ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। वीडियो के साथ बने रहना, ठीक है? तो इसके लिए मैं लेके आया हूँ अपने फ़ोन के डिस्प्ले पे, और यहाँ पे मैं आपको बारीकी बारीकी से बताऊँगा, सारे प्रोसेस बताऊँगा जो अपने से खुद से कैसे अप्लाई करोगे, कैसे फाइल बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले गूगल में आपको epfindia.gov.in डालना है, तो मैं यहाँ पे epfindia ही टाइप करके और यहाँ पे सर्च करता हूँ। जैसे पहले वाला लिंक आता है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, कुछ विंडो टॉपअप होगा, इसको यहाँ पे कट कर देना है,
और यहाँ पे देखोगे आपको तीन चार ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, ऑनलाइन क्लेम मेंबर ट्रांसफर, यहाँ पे अकाउंट ट्रांसफर है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे अपना यूएन नंबर पासपोर्ट डालना है, ठीक है। तो इसको डेस्कटॉप मोड बना लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से अगर डालोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे डेस्कटॉप मोड लगा देना है। अब यहाँ पे अपना यूएन नंबर पासपोर्ट डाल दो, तो मैं यहाँ पे फ्लिप कर दे रहा हूँ, आप भी अपना फ्लिप कर लेना, ओके। अकाउंट में ये कैप्चा डालते हो, सिंग इन करते हो तो अपने अकाउंट में एंटर मारते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ वेरीफाइड होगा आपका। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे ऊपर में लिखा है ऑनलाइन सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे ऊपर वाले जो क्लेम फ्रॉम फॉर्म 3119 और 10C और 10D उसके ऊपर में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट का 4 डिजिट डालना है, लास्ट डिजिट जो आपका KYC कंप्लीट है वो, ठीक है। तो मैं अपना डाल दे रहा हूँ, आप अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। वेरीफाई पे क्लिक कर देना, जैसे वेरीफाई पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का आएगा, यहाँ पे यस कर देना, ओके। अब यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पे क्लिक करते हो तो एक नए पेज पे ओपन करते हो, नए पेज पे पहुँचते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, PF Advance 31 यानी एक PF Advance Form 31 जो है ना उस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे बहुत सारे चीज़ आपको डालना होगा, तो यहाँ पे मेन चीज़ जो डालना है वो यहाँ पे है सेलेक्ट एडवांस, ओके। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे क्या डालना है, डालना है आपको आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक COVID-19 सबसे ऊपर वाला, और डाल के इसका रीजन सेलेक्ट कर देना, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, आप अपना एडवांस यानी जो भी आप PF का अमाउंट है वो डाल सकते हो, ठीक है। डालना होगा आपको भारतीय 36-10,000 अगर आपकी सैलरी है तो आप यहाँ पे 3500 रुपये डाल दो, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे आप कितना भी डाल सकते हो, मतलब जितना हो आपका उतना डाल सकते हो, ओके। अब यहाँ पे अपना पूरा फुल एड्रेस डाल देना, तो मैं यहाँ पे अपना फुल एड्रेस डाल दे रहा हूँ, सारी चीज़ डाल के आप भी फ्लिप कर दे। यहाँ पे क्या करना है, ये जो मेन चीज़ यहाँ पे है ना, यहाँ पे कह रहा है चूज फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे जो कह रहा है JPEG फाइल 100KB से लेके 500KB तक ही सपोर्टेड होगा, और वो स्कैनिंग वाला होगा, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट का जो पासबुक है उसको आपको एकदम बढ़िया सटीक फ़ोटो खींचना है, ठीक है। अब आप कहोगे कैसा फ़ोटो खींचना है, तो मैं आपको एक बार वो भी दिखा दे रहा हूँ कैसा फ़ोटो खींचना है, ठीक है। ये एक तरीके का ये इमेज है, तो इस तरीके से आपको एक फ़ोटो खींचना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पासबुक बैंक अकाउंट, तो इस तरीके से खींचना जिसमें किसी भी तरीके का छांव या फिर परछाई नहीं आना चाहिए। जैसे ये हो गया तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा भी नहीं होगा, टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, आपको क्रॉप कर लेना है, ठीक है। क्रॉप करने के लिए यहाँ पे अपने फ़ोन के कैमरा या फिर कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से आप इसको क्रॉप कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाके आपको टाइप करना है image MB2KB, ओके। ऐसे अगर आप डालते हो तो यहाँ पे जो पहले वाला लिंक है इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये वाला जो है सबसे ऊपर वाला, ये ऊपर में दो तो ऐड दिखा रहा है, तीसरे नंबर पे जो है उस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। कंप्रेस इमेज साइज KB and MB, ओके। यहाँ पे मैं ये डाउनलोड कर रखा हूँ तो आपको सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन करूँगा मैं, ओपन इसको जैसे ही करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के दिखाई देगा। अब यहाँ पे चूज फोटो पे क्लिक कर रहा है, चूज फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको वही फाइल सेलेक्ट करना है जो आपने फ़ोटो खींच के रखा है, ठीक है। तो मैंने ये बना के रखा है, तो इसको यहाँ पे ये पहले से 2MB का है, ओके। ये दो एम बी यानी अगर ऐसे KB में देखूँ तो 2465 KB का है, और मुझे इसको बनाना है 495 का। तो यानी मान लीजिए 490 का मैं बनाना चाहता हूँ, 490 KB मैंने डाल दिया इसमें। अब ये स्टार्ट कर दूंगा, इस तरीके से ऑटोमेटिक JPG फॉर्मेट में कनेक्ट होकर ऑटोमेटिक बन जाएगा ये फ़ोटो, यानी जो स्कैनिंग होता है वैसा ये बन जाएगा, ओके। अब ये थोड़ी देर टाइम लगेगा। अब ये जो रेड कलर में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपके फ़ोन में नहीं हो पाया, हो गया है, ओके। अब आपको अपने फाइल में जाना है और चेक कर लेना है किस जगह पे ये रहा, ये देख लीजिए आप। इसका अगर फाइल का मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये इस तरीके से एक इमेज का रेजुलेशन देख लो आप, 467 KB में हो गया। अब इसको अगर मैं डिटेल में आपको दिखाऊं तो डिटेल में देखो आप, यहाँ पे डिटेल देखोगे तो यहाँ पे 467 KB का है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको रीनेम कर दूँगा। रीनेम के लिए मतलब पासबुक इस पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। रीनेम इसको सिर्फ पासबुक लिख दे रहा हूँ, पासबुक आप भी लिख दीजिएगा, आपके फ़ायदे के लिए होगा, ठीक है। पासबुक डाल के इसको कॉपी कर दे, यानी ओके कर देना, ओके। अब यहाँ से कट करना है, अब जाना है अपने PF स्टेटस में, ओके, जहाँ पे आप अपना ये फाइल अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे कुछ वो ये कहता है चूज करने के लिए, तो आप यहाँ पे अपने फाइल में जाओगे, ओके। फाइल में जाकर के इस फाइल को अटैचमेंट कर दोगे, तो पासबुक नाम का जो फाइल था वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया,
और पासबुक इस तरीके से अब यहाँ पे ओके कर दूंगा। ओके, अब ये फाइल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब फाइल सेलेक्ट हो गया तो अब क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद गेट आधार OTP, फिर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे OTP कोड आएगा और वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, यानी डाल देना है, ठीक है। तो किसी के बहकावे में मत आना और इसी